Welcome to the another online video of RCI Education Hub Bansur. Let's continue class 11, chapter number 4, Animal Kingdom. And next phylum is Platyhelminths. Before that we were discussed about the Tenophora, okay? And now it is the next phylum, Platyhelminths. As the name suggests that it is the also known as flatworms. Flatworms, it means their body should be dorsiventrally flattened. यानी अगर देखा जाए तो वो ऐसे एकदम से पिचके हुए होते हैं. इट मीन्स दे हैविंग वेरी स्लिम और वेरी थिन बॉडी टाइप. ओके, और ये थिन बॉडी टाइप जो होती है, डोर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड जो वो होते हैं, तो ये बॉडी उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है. वाई? बिकॉज इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यहाँ हम कहें कि ये एंडोपैरासाइट होते हैं, मोस्टली एंडोपैरासाइट. इट मीन्स सम ऑफ देम आर एक्टोपैरासाइट ऑल्सो. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोपैरासाइट? So endo means inside the body, the organism which are living inside the body of the another living organisms, okay, for their nutrition. Those are known as endoparasite. So because their body is so thin, they easily enter into the body, okay. As well as some are ectoparasites, so they also helpful to get nutrition. Okay, let's discuss the another features. दे आर डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड. बिफोर दैट वी डिस्कस की बॉडी काफी थिन होती है, फ्लैटेंड होते हैं. बायलेटरली सिमेट्रिकल, सो इट मीन्स बॉडी कैन बी डिवाइडेड इन टू टू इक्वल हाफ थ्रू ए सिंगल प्लेन. ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी थ्री जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है इसमें, एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्म. ओके, सो बॉडी शो ट्रिप्लोब्लास्टिक. सीलोमेट, इट मीन्स दे आर acoelomate, it means there is no body cavity present into the body. As well as they show organ level of organization. ये specific है because इसके just बाद जो भी phylum आ रहा है उसमें organ system level of organization start हो जाएगा. So this is the last phylum which having the organ level of organization. Mostly endoparasite, before that we discussed about it, mostly endoparasite, but some of them are ectoparasite also. And they absorb their nutrition from the body of the living organism. Okay, or they stay over the body of the living organisms. Main यहाँ पे है hooks and sucker. अब देखें क्योंकि parasitic है form में, so they having some special weapons. Okay, कुछ special weapons होने चाहिए जिसके through वो अपना nutrition absorb कर सकें. So they having some hook like or some sucker like structures to absorb the nutrition from the body of another living organisms. Okay, one more important feature is that they having flame cells. Okay, ये जो phylum है Platyhelminths, तो इसमें organisms में क्या होती है, flame cells होती है which help in osmoregulation and excretion. Osmoregulation it means body temperature को जो भी maintain करते हैं, plus excretion. तो दोनों में ही ये specialized cells मिलती हैं जो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होती है. सो दीज आर नोन एज फ्लेम सेल्स. ओके, फर्टिलाइजेशन इज ऑफ इंटरनल टाइप. डेवलपमेंट डायरेक्ट, इट मींस इनडायरेक्ट में अगर हम बात करें तो दे हैविंग द लार्वल स्टेजेस. ओके, इन बिटवीन द डेवलपमेंट, बट हेयर व्हाट हैपन, डायरेक्टली द ऑर्गेनिज्म डेवलप इनटू द इंडिविजुअल विदाउट गोइंग थ्रू द लार्वल स्टेजेस. सो जो डेवलपमेंट होता है दैट इज डायरेक्ट. एंड हर्माफ्रोडाइट, इट मीन्स सेक्सेस आर नॉट डिफरेंशिएटेड, नॉट सेपरेटेड, बट दे हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इनटू द इंडिविजुअल, वन इंडिविजुअल, दैट्स व्हाई द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हर्माफ्रोडाइट. ओके, एंड द एग्जांपल्स आर प्लैनेरिया फैसियोला. एग्जाम्पल इज लिवर फ्लूइड, हियर इट इज गिवन प्लैनेरिया. ओके, सो फैसियोला. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर इज गिवन हियर फ्लैटवर्म बिकॉज बॉडी इज डोर्सी वेंट्रली फ्लैटेड. तो देखिए इसमें जो हमने स्पेशल स्टडी किया है कि फ्लैटवर्म्स होते हैं, बॉडी काफी थिन होती है, मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, बट सम आर एक्टोपैरासाइट्स आल्सो. इसका जो पेकुलियर फीचर हम स्टडी करें कि भाई एक तो इनमें हुक्स और सकर्स होते हैं बिकॉज दे आर पैरासिटिक इन न्यूट्रिशन. सो हुक्स और सकर से वो अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं. एंड द वन मोर थिंग, फ्लेम सेल्स. ओके, विच आर हेल्पिंग इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन. ओके, लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो. थैंक यू.